हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का। आज हम बनाएंगे नारियल की बर्फी, तो चलो बनाते हैं। नारियल की चक्की बनाने के लिए हमने एक कप चीनी ले ली है और लगभग 400 ग्राम हमारा सूखा नारियल का बुरादा है। इसे आप घर पे भी कद्दूकस के चक्की के लिए बना सकते हैं और बाजार में भी आसानी से मिल जाता है। तो मैंने सूखा नारियल का जो बुरादा होता है वो लिया है और लगभग आधा किलो हम दूध ले लेंगे इसके लिए। चीनी है वो अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम दूध को गर्म करेंगे। सबसे पहले कढ़ाई में हमने दूध डाल दिया है। नारियल की बर्फी के लिए आधा किलो से थोड़ा सा ज्यादा दूध ले लिया है, क्योंकि हमारी नारियल का जो बुरादा है वो 400 ग्राम बुरादा है, इसलिए आधा किलो से थोड़ा ज्यादा दूध ले लिया। अब दूध को हम जब तक पकाएंगे जब तक दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, तब तक हम और इसमें साथ में इसमें डाल देंगे चीनी, ताकि हमें अलग से इसमें चाशनी नहीं बनानी पड़े। और इनको हम कर लेंगे मिक्स, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तब तक हम पकाएंगे, ताकि हमें बर्फी में, नारियल की बर्फी में मावे की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे ही बहुत टेस्टी लगेगा दूध से ही, क्योंकि हमारा दूध है वो गाढ़ा हो जाएगा। दूध है, दूध को उबलते हुए 4-5 मिनट हो चुके हैं, ये लगभग आधा हो चुका है, गाढ़ा भी हो चुका है ये देखो। अब हम इसमें नारियल का बुरादा डालेंगे। आप इसको हल्का सा कढ़ाई में सूखा भून भी सकते हैं और ऐसे भी बहुत टेस्टी बनेगा। अब इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब आप बर्फी में जैसा कलर डालना चाहते हैं वैसा कलर डाल सकते हैं। मैं ग्रीन कलर की बर्फी बना रही हूँ तो ग्रीन कलर फूड कलर डाल देंगे। ये वाला कलर मैंने लिया है, ये डाल देंगे। एक पिंच इतना सा डालेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। बिल्कुल इसमें मावे जैसा स्वाद आएगा, क्योंकि हमने दूध को गाढ़ा कर लिया था। दूध आप कैसा भी दूध ले सकते हैं, गाय का, भैंस का, जिस प्रकार का आप लेना चाहते हैं उसी प्रकार आप दूध ले सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसमें आप थोड़ा सा घी डाल सकते हैं, या आपके पास फ्रेश मलाई है तो आधा कप या 1-2 चम्मच मलाई डाल सकते हैं, ताकि ये थोड़ा चिपके नहीं और एकदम चिकना हो जाए हमारा पेस्ट। तो अब इसमें मैं थोड़ा 2 चम्मच घी डाल रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं। गैस की फ्लेम एकदम लो रखेंगे। दो तीन मिनट अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया है, हल्का सा थोड़ा इसमें पका लिया है, ज्यादा नहीं पकाएंगे, केवल 2 मिनट। 2 मिनट में अच्छी तरह ये मिक्स हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। आप बर्फी जमाने के लिए प्लेट भी ले सकते हैं मिठाई वाली, आप और कोई थाली भी ले सकते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा घी लगा दूंगी। मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया है, ताकि हमारी बर्फी है वो नीचे चिपके नहीं और पेस्ट को इसमें निकाल दें। इसको बनने में ज्यादा समय नहीं लगता है, ये फटाफट नारियल की बर्फी है वो बनकर तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। आप इसको कभी भी मीठा खाने का मन करें तो फटाफट बनाकर खा सकते हैं। बच्चों को भी बहुत अधिक पसंद आती है ये। सारा पेस्ट हमने निकाल लिया है। अब हम इस प्रकार धीरे धीरे सेट कर देंगे। जैसी भी आप बनाना चाहते हैं, मोटी या थोड़ी पतली, उस हिसाब से शेप बना सकते हैं।
अब हम इसको ठंडा होने के लिए एक घंटे में भी अच्छी तरह सेट हो सकती है, एक डेढ़ घंटे के लिए ठंडा होने के लिए बर्फी को जमने के लिए छोड़ देंगे, ताकि हमारी बर्फी है वो अच्छी तरह सेट हो जाए। फिर हम इसको काटेंगे और इसको ऐसे जमा के छोड़ देंगे। नारियल की बर्फी को जमाए हमें एक घंटा हो चुका है। अब हम इसके चांदी का वर्क लगाएंगे और ड्राई फ्रूट भी डाल देंगे। प्रकार चांदी का वर्क लगा देंगे, इससे हमारी जो बर्फी है बहुत ही अच्छी लगेगी, जैसे हलवाई लोग लगाते हैं। इस प्रकार सेट कर देंगे इसको। और थोड़ा हम गार्निश करने के लिए ड्राई फ्रूट छिड़क देंगे। ये ऑप्शनल है, आपको अच्छा लगे तो आप डाल सकते हैं। चम्मच की सहायता से किसी से भी हल्के हल्के इसे दबा लेंगे, ताकि हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो निकले नहीं बाहर और थोड़ा सेट हो जाए। अब हम चाकू की सहायता से ऐसे काट लेंगे। इस तरह काट लिया है। एक पीस मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। इस प्रकार एकदम जम के तैयार हो गई है, और ऐसे तोड़ेंगे तो एकदम खस्ता बनी है। ये देखो, एकदम अंदर से खस्ता, एकदम नरम है और खाने में भी बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट है। इस प्रकार हम सारी बर्फी को प्लेट में निकाल देंगे। इस प्रकार हमने नारियल की सारी बर्फी को एक प्लेट में निकाल लिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।